जनपद चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आज हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालु लगातार बद्री धाम का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र का कहना है कि सुबह के करीब सरकार और बीकेटीसी समिति चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, निरंतर समीक्षाएं की जा रही है और प्रयास है सरकार का कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं उनसे हमारा एक अपील भी है कि क्योंकि हमारे जो धाम है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी विकट हैं, जलवायु भी प्रतिपल बदलती रहती है, बर्फबारी भी होती है, वर्षा भी होती है। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों का कार्यक्रम बना रहे हैं उनसे विशेष अपील है कि वो कृपया अपने यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित करने से पूर्व मौसम का अपडेट लें और जो गर्म वस्त्र इत्यादि है वो साथ में रखें। किसी को किसी प्रकार की स्वास्थ्यगत कोई समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपनी मेडिसिन इत्यादि लेकर के ही यात्रा का कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और मैं हर साल बड़ी साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ और आज अच्छी व्यवस्था होने के कारण दर्शन हो गए हैं और सब लोगों का आशीर्वाद भगवान विश्वास पे बना रहे हैं, सब लोगों के चरण स्पर्श प्रणाम।